बताना तुम्हारे पिता मोहन को क्या हुआ है। सुबह 9 बजे निकले घर से, फिर 3 जने थे साथ में, तीनों निकले और अचानक से मेरे को फ़ोन आया कि तुम्हारे पिताजी ख़त्म हो गए बोल के। फिर मैं आया यहाँ पे, पता नहीं बीच में क्या हुआ। तो घर से क्या खा के निकले थे, कुछ पता है क्या खा पी के? नहीं, हम लोग अलग थे, कुछ 1-2 महीने से अलग थे। यहाँ आके क्या पता चला? यहाँ के पता चला कि ख़त्म हो गए। कुछ निशान भी करा, दिख रहे चोट वगैरह के कि नहीं? कुछ खाए पिए हैं शायद, तक मुँह में लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? करमदास। करमदास, बताना कौन कौन तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ पे आज घटना हुआ है? अशोक दास और मेरा भाई धनदास, बड़ा भाई। क्या हुआ इनके साथ, क्या कह के निकले थे घर से लोग? अब मेरा अशोक भाई जो रुंगड़ा गया था यहाँ से राजू नगर से, तो रात में वहीं था, मेरे को पता नहीं है लेकिन ऐसा सुना ही पड़ रहा है, मेरे भाई लोग बता रहे थे। तो उसके बाद सुबह हुआ, वहाँ बिस्तर में ही था, तो मेरे को बोला कि छोड़ दो भैया, तो मैं बोला नहीं जा सकूँगा यार, मेरा बड़ा भाई को पूछ के देख, तो पूछा, फिर वो बोला कि चलो छोड़ दूँगा। इन लोग वहीं दोनों जन थे, अब एक जन का क्या नाम है उसको पता नहीं है मेरा। तो उसके बाद इन लोग को चाबी दिया, बाइक दिया, फिर आए इन लोग, फिर इधर क्या हुआ मेरे को नहीं पता है। इन लोग को ये छठघाट जो दरी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, ये नाला के किनारे में जो छठघाट बना है, वहाँ 3 अलग अलग लोकेशन में 3 व्यक्ति की शव मिलने की सूचना दर्री थाना में मिली थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी दर्री अपने टीम के साथ मौके पर उपस्थित हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर मैं भी उपस्थित हो गया था। प्रथम दृष्टया जो बॉडी है उसको देखने पर ये लग रहा है कि इनके द्वारा मुंह में झाग भी निकला है और कुछ चीज़ खा भी रहे हैं, पकौड़ा और कुछ चीज़ पूछताछ में पता चला है। ऐसा लग रहा है कोई भी जो खाने पीने की जो चीज़ है उसमें कोई जहरीला पदार्थ था, जिससे कारण इनकी मृत्यु होना प्रथम दृष्टया अभी प्रतीत हो रहा है। वैसे भी ये मृत्यु संदिग्ध है, जिसके संबंध में स्पष्ट जो जानकारी है अभी PM पंचनामा कर रहे हैं। PM के बाद ही डॉक्टर की टीम, जो स्पेशलिस्ट टीम है, उनके द्वारा शव का पोस्टमार्टम करने बाद जो रिपोर्ट मिलेगा तो वस्तु स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी। मृतकों की पहचान हो गई कैसे? मृतकों की पहचान हो गई है, इसमें से जो दो महंत हैं वापस में, एक उनका मामा एक भांजा है जो कि यहीं राजीव नगर दर्री का रहने वाला है, और एक जो मृतक है वो रुंगड़ा बालकोट क्षेत्र का रहने वाला है।